So less than 6 months to go for elections in Gujarat. Is politics of polarization taking center stage? Joining me on India First is Hemang Rawal, Gujarat Congress leader, and Sanju Verma representing the BJP. And Sanju Verma, why spray paint Hajj House outside the Congress party office? Is this not politics of polarization, ma'am? You know, Gaurav, what I fail to understand is that each time there is a statement that is completely out of turn and out of context made by the Congress party, instead of questions being asked about the Congress party, it is the BJP which is put in the dock. Look at the statement by Gujarat Congress chief, Mr. Thakur. He clearly has said that the reason we want, to engage in appeasement politics is because there are 60-odd seats in Gujarat where the Muslim vote count per assembly is about 20 to 25,000 votes, and we want to capitalize on that. You are very well aware that BJP has a stated policy of justice for all, appeasement of none. And just to put things in perspective, Gaurav, when the Prime Minister says, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, this is not just sloganeering or a platitude, but it is an abiding work ethic. And I'll just take 10 seconds to tell you, Pradhan Mantri Awas Yojana, 31% allocated to Muslims. Pradhan Mantri Ujwala Yojana, 33% allocated to Muslims. Pradhan Mantri... Ma'am, you still haven't answered why paint Hajj House outside the Congress office. But let me take that to Hemang Rawal. डंके की चोट पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश की तिजोरी पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है. सर, अगर ये तुष्टीकरण नहीं तो तुष्टीकरण क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी प्रश्न पूछ रही है. देखिए, सबसे पहले तो हमारे गुजरात प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट जगदीश ठाकुर जी का सिर्फ एक मिनट की क्लिप है. पूरी 16 मिनट का उनका जो संभाषण था, ये सद्भावना करके हमारा कार्यक्रम था 2 दिन पहले का. इसमें उन्होंने कहीं बात बोली हुई है, उन्होंने बोला हुआ है कि हाँ, कांग्रेस कभी भी अपनी विचारधारा से नहीं हटेगी. कौन सी विचारधारा? उन्होंने बताया इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की थी, उन्होंने सोशल जस्टिस की बात की थी, उन्होंने एकता की बात की थी, उन्होंने विश्व बंधुत्व की बात की थी. ये बात नहीं बताई जा रही है. गुजरात में या गुजरात के बाहर जितने भी जो यहाँ से इंडिया से जो भागे हुए लोग है, विजय माल्या हो या जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते थे, हमारे मेहुल भाई हो या ललित मोदी हो या जो भी है, क्या उनका पहले संसाधनों पर अधिकार है या गुजरात की या देश की जो जनता है, जो माइनॉरिटी है, उनका पहले संसाधनों पर अधिकार है? जो प्रश्न पूछा जा रहा है, संजीव वर्मा आपसे पूछ रही है, क्या उन्होंने ये कहा कि क्या माइनॉरिटीज डंके की चोट पर कि माइनॉरिटीज पर पहला अधिकार है, देश के हर नागरिक का पहला अधिकार है, या ये तुष्टीकरण है कि केवल माइनॉरिटीज का पहला अधिकार है? मैं यही बता रहा हूँ आपको कि गुजरात में उद्योगपतियों को 1 रुपये में जमीन दी जाती है, लाखों एकड़ जमीन, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 1 रुपये स्क्वायर फीट में दी जाती है, क्या उनका अधिकार है? या गुजरात में जिनके पास घर नहीं है, आपको जो क्या वो तुष्टीकरण है, आप उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं? हेमंग रावल, आप वो जस्टिफाई कर रहे हैं उनका कहना कि माइनॉरिटीज डंके की चोट पर? क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण है कांग्रेस का? क्या वोट बैंक के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण पर लौट आई है कांग्रेस? ये मेरा प्रश्न है जो बीजेपी. अच्छा, आपने उसका उत्तर नहीं दिया. चलिए, बीजेपी ने भी नहीं दिया, आपने भी नहीं दिया, लेकिन लेकिन ठीक है, प्रश्न पूछा है, मैं जवाब देना. लेकिन आपने आपने अपने मन से जो बोलना था वो आपने बोला, और वही बीजेपी ने भी कहा. चलिए, आप उत्तर दीजिए. संजू वर्मा जी, वो कह रहे हैं कि आप माइनॉरिटीज नहीं, आप तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को पहला अधिकार देते हैं देश के रिसोर्सेज पर, ये कांग्रेस का आरोप है. मुझे बहुत खुशी हुई गौरव जी कि हेमंग रावल ने मेहुल चौकसी, विजय माल्या और नीरव मोदी के बारे में यहाँ पर बैठकर टिप्पणी की. तो इनको याद दिला दूं, चाहे मेहुल चौकसी, चाहे नीरव मोदी, चाहे विजय माल्या हो, इन सबको लोन किसने दिया था? कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की सरकार ने. और आरबीआई का स्टेटमेंट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का स्टेटमेंट है, पिछले 2 सालों में इन तीनों से 19,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उनकी जब्त कर ली गई है और बैंकों को उनका पैसा मोनेटाइज करके लौटा दिया गया है. इसीलिए आप यहाँ पर कृपा करके भाषण मत दीजिए. आपके खुद के राजीव गांधी बोल के गए थे, हर 1 रुपए से गरीब को सिर्फ 15 पैसे पहुँचते थे. आज नरेंद्र मोदी की सरकार के चलते यदि 1 रुपए पहुँचना है तो पूरा का पूरा 1 रुपया गरीब के पॉकेट.
पॉइंट पे जल्दी से आते हैं क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक मिनट बचा है। हेमंत रावल जी, बीजेपी केवल जगदीश ठाकुर की बात नहीं कर रही है, जिग्नेश मेवानी का स्टेटमेंट देखिए, तीस्ता सतलवाद को बोल रहे मैं सल्यूट करता हूं। बीजेपी कह रही है जो कांग्रेस पार्टी से पैसे लेकर राज्य की सरकार को गिराने की साजिश रच रही थी उनको जिग्नेश मेवानी सल्यूट कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या? सबसे पहले क्या गुजरात की बीजेपी 30 लाख में गिर सकती है? सबसे पहली बात ये तो किसी ने एफिडेविट किए, किसी अधिकारी ने एफिडेविट, भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये बोल रहे हैं विजय माल्या अगले दिन जब गए थे भाग के उसके मेरा प्रश्न तीसरा सतलवाद पर था। तीसरा सतलवाद पर जो आरोप है वो बहुत गंभीर है कि मुसलमान जो गुजरात दंगों में थे उनके लिए पैसा लिया विदेश से और खर्चा किया अपने ऊपर, चाहे वो अपने बाल बनवाने थे रोम में या पाकिस्तान में, और सेकुलर एजुकेशन और लीगल एड एक्सपेंसेस के नाम पर खर्चा किया और आप उनका समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये प्रश्न उठा रही है बीजेपी। हमारे जो विकास से वंचित है उन लोगों के लिए बीजेपी की सरकार ने 8.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति का कर्ज माफ किया। क्लियरली नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन द इश्यू ऑफ जिग्नेश मेवानी सपोर्ट टू तीसरा सतलवाद, बट परहैप्स इन द डेज एंड वीक्स अहेड वी विल कंटिन्यू टू ट्रैक द स्टोरी। टू बोथ माई गेस्ट, मेरी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।